साथियों, संतों की तपस्या कभी निष्फल नहीं होती, उनके संकल्प कभी शून्य नहीं होते। इन्हीं संकल्पों का परिणाम है कि आज हमारा भारत सफलता के नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। मैंने लाल किले से कहा था, और आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था कि ये समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है। और इसलिए शुरुआत में भी मैंने कहा, आज देश विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आज एक और भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो साथ ही सदियों बाद काशी में विश्वनाथ धाम का दिव्य स्वरूप भी देश के सामने प्रकट हुआ है। आज हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो साथ ही केदारनाथ और महाकाल महालोक जैसे तीर्थों की भव्यता के साक्षी भी बन रहे हैं। सदियों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना, हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। हम आजादी के 75 साल बाद भी अपनी नौसेना के झंडे पर गुलामी के प्रतीक चिन्ह को ढो रहे थे। हम राजधानी दिल्ली में भारतीय संसद के बगल में अंग्रेजी परंपराओं पर चल रहे थे। हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ इन्हें बदलने का काम किया है। हमने अपनी धरोहरों को, भारतीय विचारों को वो स्थान दिया है जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसलिए अब भारत की नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है। अब गुलामी के दौर का राजपथ कर्तव्य पथ कर बनकर कर्तव्य भाव की प्रेरणा दे रहा है। आज देश की जनजातीय परंपरा का सम्मान करने के लिए देश भर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। हमारी जो पवित्र प्राचीन मूर्तियां चोरी करके देश के बाहर भेज दी गई थी, वो भी अब वापस हमारे मंदिरों में आ रही है। जिस विकसित और आध्यात्मिक भारत का विचार हमारे मनुष्यों ने हमें दिया है, आज हम उसे सार्थक होता हुआ देख रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारे संतों, ऋषियों, मुनियों, उनकी आध्यात्मिक साधना भारत के सर्वांगीण विकास को ऐसे ही ऊर्जा देती रहेगी। हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे और विश्व कल्याण की अपनी भावना को सफल बनाएंगे।